आज के मेहमान खुसूसी जनाब ज़मीर अब्बास साहब का हम इस जवाहदिया प्रोजेक्ट केयर में वेलकम करते हैं, और सदर साहब का भी शुक्रगुजार हैं कि वो अपना टाइम निकाल के आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और मैं इस जवाहदिया प्रोजेक्ट केयर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्रीफ थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 2013 में शुरू हुआ था अंजुमन जमीयत उलमा इस्नै शरिया कैलगिरी के तहत। और हम पहले हमारा ये दूसरा बैच है, हमारा पहला बैच जो है वो यहाँ से निकल गया है। और माशाल्लाह उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देश के, हमारे इस मुल्क के रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में अभी अपने करियर को आगे ले जा रहे हैं। इनमें से हमारे एम्स रायपुर में MBBS कर रहे हैं, फिर त्रिची में हमारे नीट में हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन देन की मुल्क के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो है अपने तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो हमारे पास है 20 बच्चे हैं, और ये 20 बच्चे जो है ये बैकवर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सारे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं वही है। और हमारा जो यहाँ पे जो डोनेशन का सिस्टम है या जो वो है इकोनॉमिकल अगर हम कहें तो वो सारा हमारा पब्लिक इससे डोनेशन पे चलता है सारा। प्लस हमारे कुछ ऐसे एक दो इदारे हैं जो हमें इसमें सपोर्ट करता है। और ये बच्चे जो हैं हम सिक्स इन बच्चों को हमने सिक्स क्लास में यहाँ पे एडमिट किया है, और माशाल्लाह आज ये लोग इस साल 10th क्लास में आए हैं। और आगे इन मतलब मकसद हमारा ये है, इस इदारे का मकसद ये है, जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड प्लस जो एजुकेशनली जो बहुत आगे हैं, मकसद हमारा है उनको थोड़ा सा आगे लेके, उनको थोड़ा सा हम सपोर्ट करके उनकी ज़िंदगी में उनको एक बेहतरीन इंसान बना के इस सोसाइटी में उनको लाने का हमारा मेन मकसद है। और इंशाल्लाह उम्मीद है ये इदारा जो है रोज़ बरोज़ तरक्की करेगा हमारे सदर साहब के गाइडेंस के अंदर। तो ये हमें हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा नज़र रखते हैं, इनका हम बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो बिल्कुल बिलखसूस वो इस इदारे में जो है अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। हमेशा जब भी कोई परेशानी होती है, मुश्किल होता है, तो हम हमेशा इनके पास ही जाते हैं या कभी ना नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। आप शायद पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ था तो कैंसिल हो गया, उसका मुझे वो था ही नहीं। एक्चुअली मैं भी बाहर ही था, एक दो दिन हुए हैं बाहर से आया हूँ, मैं छुट्टी पे था। तो आज ही अभी शाम को पता चला कि आप आ रहे हैं यहाँ पे एकदम से, तो फ़ोन किया हुआ था, मैं ऑफ स्कूल पे था, तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आप यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में हमने ये सारा थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया है सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने ज़रीन ख्यालात से इन बच्चों को रोशनास करेंगे, और सदर साहब से कभी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आपको यहाँ पे लेके आए हैं इन बच्चों को वो करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने से बच्चों को थोड़ा सा रोशनास करेंगे। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر
الصخر بالواد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس الإنسان إلا ما سعى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم اس دی آیه شریفیاں نو کسل بھی مگت لیس الانسان الا ما سعى. انسان انسان دن چمن مگر سعی و تلاش کوشش بسمت پا. گوانا درے یتی خدمتیاں نو یتی درمیان نو ہمارے مہمان عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے سید ضمیر عباس جعفری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کا جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی اس مہارت رکھتا ہے، تو آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمیں کیسے جینا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو الحمدللہ ہماری مکتب تشیع میں ہمارے ایسے علماء بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو ہمارے مومنین تک اس پیغام کو پہنچانے میں اپنا کلیدی رول ادا کر رہا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا سے کیا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی کیا فوائد ہیں، اور اس سوشل میڈیا کو کس طرح ہمیں استعمال کرنا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کی خدمت میں مولانا صاحب گفتگو کریں گے، اور آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ ریٹن یا شفاہی طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ واٹس ایپ، البتہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو موبائل کا کوئی اجازت نہیں ہے، پھر بھی آپ جب گھر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ ضرور اپنے مائی، اپنے بہن، اپنے ماں باپ کے موبائل سے چھیڑتے ہوں گے، ان کو ہاتھ میں لیتے ہوں گے، اور رات کو، دن کو، فری ٹائم میں آپ لوگ ان سے اسی ایک ویڈیو سے آپ کا جو ہے ذہن جو ہے پھر لالچ، انسان جو ہے نشہ ہو جاتا ہے اس چیز کا. تو ممکن ہے آپ لوگ بھی ان چیزوں میں آپ بھی مبتلا ہونے کا، تو آپ لوگوں کو واٹس ایپ کس طرح استعمال کرنا ہے، ہمارا جو ہے ٹیلی گرام ہے یا ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، تو یہ سارے جو سافٹ ویئرز جو آج ہمارے موبائل میں ہیں ان سے ہماری کیا فائدہ ہو سکتی ہے اور ان سے ہمارے لیے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں آپ جناب مولانا صاحب آپ لوگوں کو تفصیلی طور پر آگاہی کریں گے. تو میں مولانا صاحب سے کچھ ہمارے اس جوادیہ پروجیکٹ کے حوالے سے، جیسے کہ ہمارے انوار صاحب نے، ماسٹر انوار صاحب نے آپ کے خدمت میں
अर्ज़ किया, यहाँ ये सेकंड फेज़ के बच्चे हमारे पास हैं जिसमें 20 बच्चे हैं, और यहाँ ज़्यादातर हमारे डोनेशन से ही चलता है, और हम अपनी तरफ से भी कुछ इसमें खदमात और कुछ जवादिया प्रोजेक्ट केयर में इनको कुछ इम्कानात फराहम करते हैं माह ब माह। और यहाँ पर दीनी खदमात के लिए हमारे यहाँ शेख अलमुल हुदा साहब दिन रात यहीं पर बच्चों के साथ रहते हैं, इनके नमाज जमात और दीनियात क़ुरान इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए सुबह की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह सब पाबंदी के साथ जो है, और साथ ही साथ अपने दीनी और दुनियावी तालीम दोनों पर जो है तवज्जो मरकूज करके अपना ज़िंदगी कामयाबी की तरफ ले जाने में हमें उम्मीद है ये बच्चे सब तलाश और कोशिश करते होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ज़्यादा वक़्त न लेते हुए जनाब मौलाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप हाँ वोट ना आता, अच्छा ठीक है। सबसे ज़्यादा महफिल का जो असर होता है वो महफिल होती है जहाँ पर आप जवानों के साथ होते हैं, वो महफिल होती है जहाँ पर आप जवानों के साथ होते हैं, क्योंकि मौलाए कायनात कहते हैं कि जवानों का दिल जो होता है वो नर्म होता है, और उसके ऊपर जो चीज़ लिख दी जाती है वो हमेशा के लिए बाकी रहती है, और हक़ को एक्सेप्ट करने के लिए, हक़ को अपने अंदर जज्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा आमादगी जवानों में होती है। इसलिए रसूल खुदा के जब आगाज़ किया था तो रसूल खुदा सबसे पहले रसूल खुदा से जो लोग मुत्तसिल हुए सब जवान थे, अक्सर जवान थे। इसी तरीके से हर मूवमेंट के अंदर जो है जवानों का प्राइम रोल होता है, क्योंकि जवानों के अंदर वो एनर्जी भी होती है कि हमें कुछ करना है, साथ में उनके अंदर जो जज्बा होता है, ठीक है, सिर्फ ज़रूरत होती है उनको सही डायरेक्शन देने की, कि अगर जवानों को सही डायरेक्शन मिल जाता है तो जवान जो है वो अपनी एनर्जी और जज्बे के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश ये है कि पहली बात तो ये प्रोजेक्ट जो है वाकई बहुत ही नायाब प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जितना इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाए, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मौलाए कायनात एक हदीस में फरमाते हैं, अलिल्म सुल्तान मन वजद हुसाल बही व मन लम यजीद हो सील अलै। ये एक हदीस है मौलाए कायनात की, जिसमें मौला क्या कहते हैं, मौला कहते हैं कि अल इल्म सुल्तान, बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर। सबसे पहली ज़ात जिसने ये कहा है कि नॉलेज इज़ पावर, वो मौला अली अलैहि सलाम की ज़ात है। फिर बाद में फेमस हुआ कि नॉलेज इज़ पावर, सब जगह लिखा होता, आपने देखा होगा कहीं पे लिखा रहता नॉलेज इज़ पावर। ये हदीस है मौलाए कायनात की, अल इल्म सुल्तान, ये आप लोग अपने जहन में हमेशा रखें। इसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मौलाली कहते हैं, मौलाली ये कहते हैं इस हदीस में कि नॉलेज आपको क्या देता है, पावर। फिर मौलाली इसके बाद दो सिनेरियोज बताते हैं, पहला सिनेरियो और दूसरा सिनेरियो। पहले सिनेरियो में मौलाली कहते हैं कि अगर आपने इल्म हासिल किया तो आप गालिब हो जाएंगे और जो सामने वाला है वो मगलूब हो जाएगा, यानी आप डोमिनेट करेंगे और वो आपके डोमिनेशन में होगा, ठीक है। अगर जिसके पास इल्म होगा वो गालिब होगा, वो ऊपर होगा, और जिसके पास इल्म नहीं होगा वो क्या होगा, मगलूब हो जाएगा, वो नीचे रहेगा। बरअक्स इसके मौलाली कहते हैं अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया तो क्या होगा, आप मगलूब हो जाएंगे और दूसरे जो हैं वो गालिब हो जाएंगे। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, मौला अली ने इस हदीस में कोई बीच की बात नहीं की है, या तो आपके पास इल्म है और आप गालिब हैं, या आपके पास इल्म नहीं है तो दूसरे आपके ऊपर गालिब हैं। तो आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है, या आपको गालिब बन के रहना है या मगलूब बन के रहना है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, गालिब बनने के लिए मौला अली ने क्या कहा, पावर लेने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, इल्म की। ये इल्म जो है जमाने के साथ चेंज होता है,
टेक्नोलॉजी चेंज होती है लेकिन कॉन्सेप्ट नॉलेज का नॉलेज रहता है। मसलन आज से 15 साल पहले C++ या सी जावा ये सब कोर्सेज होते थे आईटी इंडस्ट्री में, तो वो लोग जिसको भी आईटी में कुछ करना होता था तो पहले सी पे कमांड करते थे, फिर जावा, फिर एक्सेस पे, फिर डेटाबेस के अलग अलग थे। लेकिन ये 15-20 साल पहले की बात है। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो सॉफ्टवेयर चेंज हो गए हैं, लेकिन बात वही है कि आज भी जिसके पास इल्म है वो पावर में, जिसके पास इल्म नहीं है वो मगलूब है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है। इस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में आप लोगों के पास चॉइस है कि आप लोग, फिर दूसरा जो मौलाना ने कुरान की आयत भी वो किए तिलावत की, लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, यानी कि इंसान को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करेगा। जैसे अल इंसान यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तमाम इंसानों के लिए ये आयत, ऐसा नहीं कि मोमिन के लिए सिर्फ हो, यानी हर इंसान जो मेहनत करेगा खुदा उसको देगा उतना ही। तो अगर एक हिंदू मेहनत करेगा तो खुदा कुरान में क्या कहता है, उसको भी मैं दूंगा, कितना दूंगा, जितनी वो मेहनत करता है। लेकिन अगर मोमिन मेहनत करता है तो खुदा अपने लुत्फ व करम से उसे एक्स्ट्रा दे सकता है, लेकिन हर एक इंसान को जितनी मेहनत किया उतना तो उसको मिलना है, इसके अलावा उसके पास यानी कोई चॉइस नहीं है। और कोई तावीज़ नहीं है कि वो गले में हाथ में बांध लेंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा, ऐसी कोई तावीज़ नहीं होती है। एक तावीज़ है, वो तावीज़ क्या है, अलिल्मो सुल्तानुन। वो तावीज़ ये है कि मेहनत करना है, मशक्क़त करना है, इल्म हासिल करना है, कुदरत हासिल करना है, सिर्फ उसका रास्ता मेहनत के ज़रिए से, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। कल मैंने जो वहाँ पर हम सिस्टर्स के साथ डिस्कस किया तो वही मैं आज आप लोगों के सामने भी जिक्र कर दूँ कि मेरा खुद जो है एक्सपीरियंस जो है, आलिम दीन बनने से पहले, तालिब इल्म बनने से पहले मैं तकरीबन 8 साल करियर काउंसलिंग करता था और एडुकेशन अब्रॉड मेरा जोन था, यूके वगैरह स्टूडेंट्स लोगों को मैं पढ़ने के लिए बाहर भेजता था। तो यूके के एजुकेशन के बारे में, एड एक्सेल के बारे में और यूके के टोटल यानी कि यूके में जो पढ़ने जाते हैं वहाँ के एजुकेशन के सिलसिले में थोड़ी बहुत नॉलेज है, और तकरीबन कई हज़ार स्टूडेंट्स लोगों की मैंने हौज़े इल्मिया में आने से पहले मैंने काउंसलिंग की है। तो मैंने कल एक डायग्राम बना के बताया था जो वहाँ पर बच्चियों के पास गए थे हम लोग, वही मैं आपके सामने भी पेश करता हूँ। देखिए, सोसाइटी जो होती है वो ऐसी होती है, ये जो पार्ट होता है ये स्ट्रगलिंग लोगों का पार्ट होता है जो सोसाइटी के बॉटम पर होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यहां पर बहुत रश बहुत होता है, हो सकता है बहुत बार जुल्म की वजह से, फैसिलिटीज ना होने की वजह से भी लोग नीचे रह जाते हैं, लेकिन बहुत बार अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी काहिली की वजह से, मेहनत ना करने की वजह से, एक्सक्यूजेस देने की वजह से जो है लोग पीछे रह जाते हैं। मिसाल देता हूँ, मिसाल आप लें इंडिया के जो एक्स प्रेसिडेंट है APJ अब्दुल कलाम, जानते हैं उनके डैडी क्या करते थे पता है आपको? हाँ, उनके डैडी एक बोट चलाते थे, नाव चलाते थे खुद। वो बचपन में जो है वो क्या करते थे, सुबह 3-3:30 बजे उठ के जाके सबके घर पर न्यूज़पेपर्स डालते थे, फिर उसके पैसे कमा के वो ट्यूशन देते थे, उससे अपनी उन्होंने पढ़ाई की। इसी तरीके से ईरान के जो एक्स प्रेसिडेंट है महमूद अहमदीनिजाद, वो लोहार के बेटे थे। तो हमारे मुल्क में मुश्किल है, लेकिन जो लोग मेहनत करना चाहते हैं और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के पास रास्ते भी हैं कि अगर मेहनत करोगे तो। ये दो एग्जाम्पल्स हम लोगों को क्या इंस्पिरेशन देते हैं कि अगर हम नीचे भी हैं एजुकेशन, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें यहाँ पहुँचना है। यहाँ पर कम लोग होते हैं, रश कम होता है, भीड़ कम होती है, हम लोगों को यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाना है। अभी यहाँ पर बयान हुआ था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं यहाँ पर, गालिबन मैं यही समझा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो NET है, JEE है या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए तैयारी करते हैं, ठीक है ना। रास्ता सिर्फ यही है कि आप अपने आप को
टॉप लेवल पे लेके जाके कम्पीट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने गोल यहाँ का बनाया है और अगर आप कामयाब भी हो गए, अगर आपका पूरा 100% कामयाब भी हो गए, तो भी आप यहीं पर हो, आपको यहाँ पहुँचना था। लेकिन अगर आपने यहाँ का गोल बनाया, थोड़ा बहुत मिस भी हो गया, तो आप यहाँ पर होंगे। इंडिया के अंदर जो कॉम्पिटिटिव टॉप लेवल के एग्जाम्स हैं, उनके अंदर आपको उसके लिए आपको तैयार करना है। उसके लिए तो शायद यहाँ क्लासेस हुई होंगी, समझाया गया होगा कि NET कब करते हैं, JEE के लिए कैसे तैयार करते हैं वगैरह, उनके तो एक्सपर्ट्स आएंगे। लेकिन जो हम आपको कहना चाहते हैं वो सिंपल ये है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, और उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है, अल इल्मु सुल्तानुन। ये सुल्तान है, और यहाँ से पूरा रास्ते का प्रोसेस जो है अल इल्मु सुल्तानुन है। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज ही आपको कुदरत में लेके आ सकता है। आयतुल्ला खामेनेई एक स्पीच में बयान करते हैं जवानों के साथ, स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं आप इमेजिन करो कि हम लोग एक रेस में हैं, ठीक है, ये रेस में यहाँ पर गाड़ियाँ हैं A, B, C, D, E, F, G, ये गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी 150 साल से 300 की स्पीड से चल रही है। अब मैथमेटिक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी मैथमेटिक्स की इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल समझ इम्पॉर्टेंट है, मैं इसी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। 150 साल से जो है ये 300 की स्पीड से चल रही है। ये वेस्ट है, वेस्ट ने जो तरक्की की है, पहले मुसलमान माशरा आगे था, फिर 150-200 साल से वेस्ट आया, वेस्ट गालिब हो गया। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो इट कैन रिवर्स बैक। एक ज़माना ये था जब इटली पे मुसलमानों ने कब्ज़ा किया था, तो पूरे यूरोप में जितनी किताबें नहीं थी, उतनी किताब मुसलमानों ने इटली में अपनी लाइब्रेरी में रखी थी। तो मुसलमानों के जाने से, मसलन UK में, जब ब्रिटेन में हम लोग देखते हैं, तो आज से 300-350 साल पहले बहुत गरीब थे उन लोग, खाना खाने का उनको वो नहीं था, तमीज़ नहीं थी। हिंदुस्तान आने के बाद मसाला पहली बार खाया उन्होंने, वगरना फ़िश एंड चिप्स खाते थे, उबले हुए आलू और मच्छी उबली हुई, ये खाना था उनका। तो अभी हम जिस जोन में रह रहे हैं, जिस लाइफ में हम लोग रह रहे हैं, डेफिनेटली वो हमसे आगे, हम उनसे पीछे हैं। लेकिन इफ़ यू गो बैक इन द हिस्ट्री, 300-400 साल पहले हम आगे थे, वो पीछे थे, एंड इट कैन रिवर्स बैक। ये हिस्ट्री है ऐसा, यानी कभी वो आगे होंगे, कभी हम आगे होंगे, लेकिन हम आगे हो सकते हैं कि हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। अब ये एहसास कैसे होगा कि इन लोग 150 साल से इन्होंने मेहनत की है, मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहे थे, इन लोग कामयाबी की तरफ जा रहे थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अगर हम लोग बात शुरू करें, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रांस में आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है क्या होता है, वेस्ट और यूरोप जो हैं वो तरक्की की तरफ जाते हैं। उसके पहले उनको डार्क एजेस कहा जाता था, उसके पहले के पीरियड को। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इन लोग क्या होते हैं, प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं मादी तौर पर। इसके अंदर भी मुसलमानों का जो रोल है और इंडिया का जो रोल है, पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी फंडिंग इंडिया से हुई है, यानी इंडिया पर कब्जा करके इन लोगों ने पैसा लूट के ले गए, और उस पैसे से इन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। खैर, टॉपिक हमारा वो नहीं है, टॉपिक हमारा ये है कि आप इमेजिन करें कि एक गाड़ी है, ये 150 की स्पीड से चल रही है, सॉरी 150 साल से 300 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और आपकी गाड़ी जो है वो डी है। आपकी गाड़ी 150 साल से चल ही नहीं रही थी, खड़ी थी रास्ते पे, या रिवर्स में चल रही थी, ठीक है। तो आपने आज ये डिसाइड किया कि भाई हमें इनसे कंपीट करना है, हमें इनसे मुकाबला करना है, तो आप क्या करेंगे, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, उन लोग 300 की स्पीड पे से चल रहे, तो मैं भी आज 300 की स्पीड से चलूंगा, मैं इनको कैच कर पाऊंगा, नहीं कैच कर पाऊंगा ना। अगर आपको इनको कैच करना है, तो ये 300 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आपको 600 की स्पीड से आज चलना होगा, फिर कई सालों के बाद जाके आप उनको कैच कर पाएंगे। तो अब हम हिंदुस्तान में पलट के अगर आते हैं, ये ग्लोबल लेवल पे मैं बात कर रहा हूं,
अलिल्म सुल्तानुन यानि मुसलमानों के पास नॉलेज होना चाहिए, मुसलमानों के पास कुदरत होनी चाहिए, हर इल्म हर टेक्नोलॉजी का पावर हमारे पास होना चाहिए कि अहले बैत हमारे, हमें उनके पास इल्म के लिए नहीं जाना चाहिए, उन्हें हमारे पास इल्म के लिए आना चाहिए। इसके लिए ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब है, जब हम लोग ये सिनेरियो में, ग्लोबल सिनेरियो में हम लोग समझें, क्योंकि 300 इयर्स से हम लोग पीछे हैं, उसके पहले 300 इयर्स हम लोग आगे थे, हम लोग 100 साल मेहनत करेंगे हम लोग उनसे 300 साल आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग, वो अमेरिका इतना आगे, वो इतना आगे, वो इतना आगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ईरान ने साबित किया ना, अभी वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट टाइम था कि इरेनियन अमेरिकन एयरबेस पे ऐनुल असद पे ईरान ने रॉकेट मारा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मारा, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया, कुछ नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि अलिल्म सुल्तानुन, इनको पता है कि इनके पास कुदरत है, इनके पास नॉलेज है, हम कुछ करेंगे तो वो भी जवाब देंगे, अब उनके पास कुदरत है, अब वो कमज़ोर नहीं है। ये नॉलेज पावर लेके आता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मारे उन्होंने। मसलन एक बीच में बिल्डिंग थी ऐनुल असद में, उसके चारों तरफ इन्होंने बॉम्ब्स रॉकेट्स मारे, बिल्डिंग पे नहीं मारे, ये बताने के लिए हमारी एक्यूरेसी कितनी है। और लोग उनके बेसमेंट में थे, उनका मकसद मारना नहीं था, डराना था, ये एक्यूरेसी बताना था। तो ये क्या हुआ, तो ये कुल्लन सिनेरियो के अंदर ग्लोबल लेवल पर मुसलमानों को क्या करना है, वी हैव टू रीच देयर, वेयर, हियर, ऑन अ ग्लोबल लेवल, ऑन अ ग्लोबल लेवल इल्म हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, उनमें और हमारे में फर्क क्या है, जब हमारे पास इल्म था तो वो हमारे मिडल ईस्ट में पढ़ने आते थे, हम उन्हें पढ़ने देते थे, वो जाते थे पढ़ के, हम रोकते नहीं थे। अब उनके पास इल्म आया तो उन्होंने सैंक्शंस लगाना शुरू किया, आप ये नहीं पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इल्म को कैद नहीं कर सकते, आप इल्म को कैद नहीं कर सकते। ईरान ने साबित किया हर फील्ड में। आज नैनो टेक्नोलॉजी में ईरान का रैंक कितना है पता है आपको, 6th रैंक है वर्ल्ड में। बायोटेक्नोलॉजी में 8th रैंक है ईरान का, ठीक है। दुनिया की जो कनाडा में एक आर्टिकल वो होता है, जो आप सर्च करेंगे साइंटिफिक रैंकिंग पूरी दुनिया की देता है, वो उन लोगों की रैंकिंग के मुताबिक ईरान का हर कंट्री के मुकाबले पे 11 टाइम्स साइंटिफिक ग्रोथ ज़्यादा है, 11 टाइम्स। जो पीएचडी डॉक्यूमेंट्स वहाँ लिखे जाते हैं, पूरी दुनिया में जो रेस स्पीड है वो पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ईरान में। तो आप नॉलेज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, दिस इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दिस इज वेयर आई एम, नाउ आई नीड टू कैच अप। हम लोगों को छोटे छोटे गोल्स नहीं बनाने हैं, हम लोग को कि मसलन मैं एक छोटा सा आईआईटी में कर लूंगा, 50,000 रुपए का जॉब मिल जाएगा, 40,000 रुपए का, बहुत छोटा गोल है ये। यू हैव टू थिंक बिग, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज ड्रीम बिग। इफ यू डोंट ड्रीम बिग, यू नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। नेल्सन मंडेला के एक वो था, एक नेल्सन मंडेला जानते हैं, नेल्सन मंडेला ना, नेल्सन मंडेला की जो एक मैच थी साउथ अफ्रीका की, जो इंडिपेंडेंस के बाद एक मैच थी, और उनकी मैच शायद न्यूजीलैंड के साथ थी रग्बी की, और न्यूजीलैंड की बहुत पावरफुल टीम थी। तो नेल्सन मंडेला गए उनके उनके कैप्टन से मिलने के लिए, क्योंकि ये मैच उन लोग के लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट मैच थी। नेल्सन मंडेला ने उनके जो उन वो थे जो उनके कैप्टन थे, कैप्टन को पूछा कि एक लीडर का काम क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि लीडर का काम ये होता है कि जो हमारे हमारे फॉलोअर्स हैं उनको उनकी पोटेंशियल्स को रियलाइज कराना, सॉरी उनको उनके पोटेंशियल तक जो है पहुंचाना, ताकि वो परफॉर्म करें। नेल्सन मंडेला ने कहा आप गलत कह रहे हैं, लीडर का पहला काम ये होता है कि लोगों को एहसास दिलाए कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि जितना पोटेंशियल वो समझ रहे हैं अगर उस पर भी अचीव करेंगे तो न्यूजीलैंड को बीट नहीं कर पाएंगे। आपको ये एहसास दिलाना है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आप लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अलिल्मो सुल्तानुन कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान में लेवल पर पहुंच सकते हैं कि सबसे बेस्ट आप हो सकते हैं, ये आपको रियलाइज करना है। वो आए वो 30,000 जॉब, 40,000, 50,000, यू नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट। आपको टॉप पे पहुंचने की कोशिश करना है।
अगर आप टॉप पे पहुंच गए पैसा आपके पीछे आएगा, लेकिन आप पैसे के पीछे जाओगे तो आप टॉप पे नहीं पहुंचोगे। फर्क समझ में आए? अगर आप टॉप पे हो तो पैसा आपके पीछे आएगा, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप टॉप पे नहीं पहुंच पाओगे। खूब, तो यहां पर आपको यह समझ में आया कि ग्लोबल सिनेरियो में एक इल्म की जंग चल रही है, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी उसी लेवल पर आगे आना है। ये चीज मैंने आपको बताया कि दो चीज मैंने आपके सामने रखी है, एक तो ये कि हमें इस टॉप पे पहुंचना है, ठीक है। मैंने आज एक चीज और बयान की थी कि एक गांव है मधुमती नाम का जौनपुर के पास, अगर अभी आप गूगल करेंगे, वैसे आपके पास नहीं है अभी हो, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा एक गांव है जौनपुर के पास, उसका नाम है मधुमती। इस गांव में 76 घर हैं, 76 घर में से कितने आईएएस ऑफिसर हैं इस गांव में, गेस करें कितने होना चाहिए? 70, 10। इस गांव में 50+ आईएएस ऑफिसर्स हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, 76 घर का जो गांव होगा वो गांव में अच्छी स्कूल होगी, फैसिलिटीज होगी? नहीं होगी ना। उस गांव के 50, ये आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उस गांव में 50 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स हैं। इससे क्या पता चलता है, पता है? इससे ये पता चलता है कि आप एक छोटे से गांव में रह के 50 सिटीज को, आप 50 सिटीज में के टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो। इरादा बड़ा होना चाहिए। अच्छा इसके अंदर एक और चीज है, रोल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोल मॉडलिंग यानी क्या? यानी कि आपने, आपके लिए कोई गोल होना चाहिए कि नहीं मुझे उस जैसा बनना है। इस गांव में जो पहला बंदा जो आईएएस ऑफिसर बना था वो मुस्लिम था, उसका नाम मुस्तफा था। वो आईएएस ऑफिसर बना, उसके बाजू उसके पड़ोसी ने कहा कि मुझे भी बनना है। उसने पूछा कैसे बनना है, उसने मेहनत की, उसने पूरे गांव में, अब जिनके घर पे आईएएस ऑफिसर नहीं है वो शर्म के मारे घर के बाहर ऐसे निकलते हैं, लिखा है आर्टिकल में, उनको शर्म आती है घर के बाहर निकलने के लिए। वो अपने बच्चों के पीछे पड़े, जाओ तुम पढ़ो, कोटा जाओ, ये करो वो करो। क्यों? उनके अंदर एक डिजायर है, बर्निंग डिजायर टू रीच द टॉप, ठीक है। तो ये आपको अपने अंदर जगाना है कि ये लोग, इनके पास तो इमाम मेहदी नहीं है, इनके पास अहले बैत नहीं है। जब आप थक जाते हैं आप कोने में जा सकते हैं, वक्त के इमाम से तवस्सुल कर सकते हैं, वक्त के इमाम आपकी मददगार हैं, है ना। हमेशा हम जितनी उनसे मोहब्बत करते हैं वो हमसे, उनसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारा सहारा है, हमारे इमाम जिंदा हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास तो एक सपोर्ट भी है, यहाँ पर उलमा है, उलमा की गाइडेंस है, दीनी माहौल है। यानी जो जवान आज का है उसके लिए गुनाह करना बहुत आसान है, लेकिन आपका दीनी माहौल है तो बहुत सारे गुनाह से आपको दीनी माहौल रोकता है, जो आपकी हेल्प करता है एजुकेशन में आप आगे बढ़े, फोकस आपको रहने के लिए, फोकस रखने के लिए आपको वो हेल्प करता है। तो ये पॉसिबल है कि आप कम लोग हों, कम लोकेलिटी में रहते हो, लेकिन आप टॉप लेवल पर पहुँचना चाहते हो। आखिरी चीज़ जो आपके सामने अर्ज़ करना है, अगर आपको सोशल मीडिया के बारे में बात करना तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था ये कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो है बात हो जाए पहले। एक और चीज़ ये है कि दुनिया में जो यहाँ पर टॉप लेवल पे लोग पहुँचते हैं, ये अक्सर लोग जो होते हैं ना सेल्फिश होते हैं। जो टॉप पे पहुँचते हैं वो सिर्फ अपने लिए पहुँचते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीवी बच्चे, उनकी फैमिली, उनके मम्मी डैडी, बस। जो इंतज़ार का तसव्वुर रखता है, ज़हूर इमाम ज़मान का तसव्वुर रखता है, तो इमाम की दुनिया में क्या करेंगे, क्या करेंगे? इमाम अदल व इंसाफ को कायम करेंगे, जिस तरीके से जिस पूरी दुनिया जुल्म जोर से भरी हुई होगी, इमाम के क्या करेंगे? अदल व इंसाफ को कायम करेंगे। तो आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली और अपनी बीवी और अपने बच्चे
और अपने मम्मी डैडी का ख्याल करना है, वो तो करना है, वो तो वाजिब है, लेकिन सिर्फ उतना नहीं करना है। आपका गोल क्या है? आपका गोल ग्लोबल है। महदवियत आपको ग्लोबल विजन देती है। कि महदवियत क्या कहती है? महदवियत ये कहती है कि हर इंसान के लिए आपको खैर करना है, हर इंसान के लिए जस्टिस की तलाश करना है। मसलन एक वो आईएएस ऑफिसर बनता है, वो आईएएस ऑफिसर बनेगा तो अगर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत होगी तो मुसलमानों की फाइल पास नहीं करेगा। लेकिन हम जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपके दिल में किसी के लिए नफरत है? नहीं, हम मोहब्बत वाला दीन है। हमारे लिए नफरत है सिर्फ एक कैटेगरी से, वो कैटेगरी जालिम है। जालिम के अलावा हम किसी से नफरत नहीं करते। जालिम से नफरत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते ना, डर क्यों रहे? जालिम से नफरत करते हैं कि नहीं करते ना? हमारा दीन ये नहीं बताता कि जालिम के साथ तुम रहो, जालिम से दोस्ती करो, नहीं। हमारा दीन ये सिखाता है कि जालिम से नफरत करो, बाकी हर इंसान से मोहब्बत करो, है ना। तो आपको यहां क्यों पहुंचना है? आपको यहां पहुंचना है ताकि आप जहूर के लिए तैयार हो सकें, आप खुद भी तैयार हो और एक समाज को तैयार करें जो जहूर के लिए है। हिंदुस्तान में इस वक्त जो है 16% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, ठीक है, और तकरीबन 13% इस वक्त मेरे एग्जैक्ट फिगर नहीं है दूसरे ओबीसी हैं, और 14% मुसलमान है ऑफिशियली, ठीक है। तो तकरीबन हिंदुस्तान में तकरीबन 50% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो ऑप्रेस्ड है, ठीक है। करगिल वालों के अंदर एक अच्छाई है कि आप लोग सब साथ में रहते हैं, एक आप लोगों के अंदर वीकनेस है कि कॉन्फिडेंस की कमी है कि आप बहुत बड़ा सोचें। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो सिर्फ यहां तक ही सोचते हैं, करगिल तक। आपके लिए पॉसिबल है कि आप लोग यहां रह के पूरे मुल्क के ऊपर असरअंदाज हो सको। मधुमति गांव याद है? मधुमति गांव एक छोटा सा गांव है, 50 शहरों पर असर कर रहा है। आप करगिल हो, आप करगिल से 500 शहरों पर असर कर सकते हो, है ना। थोड़ा बड़ा विजन, ठीक है, बड़ा विजन, बड़ा गोल, बड़ा डिजायर। हिंदुस्तान में ये लोग जो है ऑप्रेस्ड हैं, दलित अभी भी हिंदुस्तान में। पिछले हफ्ते मैंने न्यूज में सुना कि गुजरात में उनको पकड़ के एक दलित को पकड़ा, मारा गया, उसको रूम में मारने के बाद उसको पेशाब पिलाए। आज हो रहा है हिंदुस्तान में, ये दलितों पर जुल्म हो रहा है, आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है हिंदुस्तान में। आप थोड़ा सर्च करें छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। ये जो आदिवासियों की जमीनें हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आप अपने आप को जहूर से अगर लिंक करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो वीक क्लास है, उनके साथ रहमदिली से पेश आए ताकि उनको जहूर के लिए तैयार करें। क्योंकि जब इमाम आएंगे तो क्या होगा, मुस्तजफ जितने हैं, जितने ऑप्रेस्ड हैं, जितने वीक हैं, वो इमाम का साथ देंगे। लेकिन वो कब साथ देंगे? जब हम इमाम को इंट्रोड्यूस कराएंगे उनको। हम बहुत इनवर्ड्स सोचते हैं, सब कुछ इनवर्ड्स है हमारा, जबकि दीन आउटवर्ड्स सिखाता है हमें। दीन हमें एक ग्लोबल विजन देता है, दीन हमें बड़ा सोचने को मजबूर करता है। हम लोग दीन को बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से लेते हैं, उसकी वजह से बहुत इनवर्ड्स हो जाते हैं, जबकि दीन में कुव्वत और कुदरत थी कि दीन हर इंसान को अपने करीब कर सके। बस ये बोलना था कि हम लोग जो हैं विजन अपना बड़ा करें, बड़ा सोचें, हिंदुस्तान में टॉप लेवल पर पहुंचने की कोशिश करें, हर फील्ड में, हर फील्ड में टॉप तक की जगह है। ओके, एंड इफ यू आर मीडियोकर यू डोंट रीच द टॉप, यू हैव टू बीट द बेस्ट टू रीच द टॉप। ओके, एंड हम लोग इसके लिए टॉप पे नहीं पहुंचना चाहते बिकॉज वी आर सेल्फिश। हम लोग इसलिए टॉप पे पहुंचना चाहते हैं क्यों? क्योंकि हम जहूर के लिए काम करना चाहते हैं, वक्त के इमाम। तो मेरी सक्सेस, अब मैं किताब जब खोलूंगा हर बार वक्त के इमाम को याद करूंगा और कहूंगा आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं, तो हर पेज जब मैं पढ़ रहा हूं तो वो इबादत होगी। हर बार जब मैं किताब के करीब जाऊंगा, मेहनत करूंगा, वक्त के इमाम को याद करूंगा, तो कंप्लीट मेरी एक लाइफ महदवियत और इमाम के जहूर के लिए इंतजार के अंदर गुजरेगी। तो ये ओवरऑल आपको आप लोगों के से जो गुफ्तगू करनी थी वो यही था, ज़्यादा बात नहीं करनी है। सोशल मीडिया के हवाले से जो है, सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फोकस्ड हैं, सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया को अभी फ़िलहाल, मैंने कल एक बात बयान की थी
कि इंसान की जो एज है 1 to 7 years, 8 to 14 years, 15 to 25 years, 26 to 50+, ये इंसान की लाइफ के फेजेज़ हैं। 1 to 7 years में इंसान जो है उसके अंदर तहलील करने की कैपेसिटी कम रहती है, एनालाइज़ करने की कैपेसिटी कम रहती है। 8 to 14 होता है तो उसके अंदर एनालाइज़ करने की कैपेसिटी शुरू होती है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगता है, चीज़ों को एनालाइज़ करता है कि ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, थोड़ी एनालिसिस की उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ती है। जब वो 15 to 25 होता है, दिस इज़ द एज वेर यू मेक और ब्रेक। अगर आपने 15 to 25 बहुत मेहनत की, ओके, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि यू विल बी इन अ पोजीशन के 25 to 50 आपकी जिंदगी में आप कंफर्ट ला सकते हो। लेकिन अगर 15 to 25 आपने मेहनत नहीं की तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 to 50 आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आपके पास चॉइस है, या 15 to 25 मेहनत करो और उसके बाद कंफर्टेबल लाइफ गुजारो, या आप 15 to 25 कंफर्टेबल लाइफ गुजारो और फिर बची हुई पूरी जिंदगी आप मेहनत करो। दिस इज द टाइम यू मेक और यू ब्रेक। 10 साल आपके पास हैं जिंदगी के, अगर आप ऐसे एनालाइज करें जिंदगी को, ये 10 साल हैं। ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, आप एंजॉय करें, एक दिन का वक्त निकालें, गेम्स खेलें, इस्लामिक तौर जो भी आपको खेलना है, एंजॉय करना है। इस्लाम कहता है दिन का एक वक्त आपके जहन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तफरी नहीं करेंगे, रिफ्रेशमेंट नहीं होगा, तो आपका जहन जो है वो एक्टिव नहीं होगा। तो आपके लिए तफरी है, गेम्स हैं, ये होना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। बट लेकिन अक्सर आपको क्या करना है, अक्सर टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 15 से 25 बनाना है, यू हैव टू मेक इट, ओके। अदरवाइज आपको, मसलन जो आदमी आज लेबर का जॉब करता है, अक्सर लोग क्यों करते हैं, उन लोग ने, दे डिड नॉट वर्क हियर सो दे वर्क हियर एंड दिस कंटिन्यूज, दिस नेवर एंड्स, ये पूरा जब तक जिंदा रहेंगे उन लोग स्ट्रगल करते रहेंगे। सो दिस इज द टाइम यू स्पेंड योर टाइम इफेक्टिवली हियर, सो दैट इवेंचुअली अल्लाह हेल्प्स यू एंड देन इंशाल्लाह यू हेल्प अदर्स। सोशल मीडिया के बारे में सिर्फ ये कहना है कि आप अपने वक्त को ज़ाया नहीं करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि वक्त को ज़ाया करना है। आपको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चेंज नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको 15 से 25 कुछ नहीं करना है। 15 से 25 आप दिन में आपको यूज़ करना है सोशल मीडिया, आधा घंटा, 45 मिनट्स आप दें, अवेयर रहें, न्यूज़ पढ़ें, हर चीज़ से अवेयर रहें। हदीस है, अल आलिमो बे ज़माने ही, जो अपने ज़माने का आलिम रहता है, ला तहजमो बेहिल लवाबिस, वो जो गुमराहियाँ होती हैं, जो लोगों की मक्कारियाँ होती हैं, जो इश्तबाहत होते हैं, उसमें नहीं फंसता है। क्यों? क्योंकि अवेयर रहता है, आपको पता है इस ज़माने में क्या चल रहा है, तो आप इस ज़माने के हिसाब से आप सब चीज़ें करते हैं, आप ज़माने के आलिम हैं, आप समझते हैं आज क्या हो रहा है। आप 20 साल पहले की स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज यू आर अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो आप न्यूज़ पढ़ें, एनालाइज करें, डेटा पढ़ें, स्टैट्स पढ़ें। ये जी न्यूज़ वाली न्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ, यानी वो बकवास न्यूज़ नहीं, यहाँ पर गिरा दिया, मार दिया, काट दिया, वो वाली न्यूज़ नहीं। न्यूज़ यानी एनालिसिस के साथ पढ़ें आप, रीड, डोंट वॉच। मसलन आप द वायर पढ़ें, स्क्रॉल पढ़ें, ऐसी न्यूज़ पढ़ें जहाँ पर आपको डेटा, स्टैट्स बताया जाता है, हिंदुस्तान के बारे में अवेयर किया जाता है, वो न्यूज़ आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो ये ओवरऑल जो मुझे आपको कहना है कि आप अवेयर हैं, फ्रॉम 15 to 25 हैव वन गोल, बी फोकस्ड एंड वो गोल की तरफ चलते रहें। एवरीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम दैट गोल, स्टॉप। कभी कभी आपको लगेगा मेरी जिम्मेदारी है सोसाइटी में ये करना है, दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम, स्पेशली फॉर यू पीपल, कि आप लोग एक फोकस्ड ग्रुप हैं, आप लोग फोकस्ड ग्रुप में आप आगे चल रहे हैं, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू, दिस इज़ द टाइम यू स्टे, आप खुद खड़े हो पैरों पे, उसके बाद दूसरों को ऊपर लाओ। खुद ही गिर रहे हो और दूसरे को ऊपर भी उठाना चाह रहे हो, तो खुद तो पहले समझ जाओ। समझ रहे पॉइंट? इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सोशल मीडिया के बारे में मेरा यूट्यूब पे है वीडियोज़ वगैरह, तो आप बाद में चाहें तो देख सकते हैं। शॉर्ट में अगर बयान करूँ, फेसबुक जो है वो हेट, वायलेंस,
मिस इन्फॉर्मेशन, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी इस चीज़ को प्रमोट करता है, वेरी शॉर्ट में। ये उनकी रिसर्च फेसबुक लीक्ड पेपर्स के जरिए से साबित हुआ है, यानी उनके ही स्टाफ ने बताया कि फेसबुक ये सब करता है और फेसबुक कंपनी को पता है और वो रोकता भी नहीं। इंस्टाग्राम जो है फॉल्स परसेप्शन ऑफ ब्यूटी को प्रमोट करता है। इंस्टाग्राम के ज़रिए से जो है आज गुनाह जो है आम हो गया है इन एप्लीकेशंस की वजह से। और सबसे बड़ा ख़तरा जवानों को ये है कि टाइम उनका वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोग कंट्रोल्ड, अगर यूज़ भी करना चाहते बहुत कंट्रोल्ड, फेसबुक और इंस्टाग्राम को अवॉइड करें, मेरा सजेशन ये होगा। मैं इस बहुत लंबी बात कर सकता हूँ लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है उसके अंदर हमें यकीन है इस बात का कि ये, वो खुद उनकी रिसर्च बताती है कि ये लोग जो हैं सॉफ्ट पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं। एवरी फ्यू सेकेंड्स दे शो यू अ मूवी और अ वीडियो, सास का जो है देवर के साथ, बहू का हस्बैंड के साथ, इसके साथ उसके साथ कैसा रिश्ता होता है, टीचर फंस गया एक स्टूडेंट के साथ, नहीं, इस टाइप के वीडियोज़ जो है कंटिन्यूस उन लोग प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग इससे पैसा कमाना चाहते हैं। ज़्यादा बात नहीं करनी, लेकिन ये हमारे लिए साबित शुदा है उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, ना कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग YouTube यूज़ करें, YouTube अगर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि YouTube पे 35% ऑडियंस जो है वो सर्च बेस्ड होती है। यहाँ पर आप सर्च करके कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप मसलन IAS बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसकी फील्ड के बेस्ट टीचर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स आपको आके क्लास देते हैं, टीचिंग देते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टुडे। तो यूट्यूब कंपेरेटिवली इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सेफ है, लेकिन कंपेरेटिवली बेटर प्लेटफॉर्म देन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड फाइनली ट्विटर को यूज़ करना सीखें आप लोग अपने कम वक्त में, बिकॉज ट्विटर में आप जो है कोई भी नेशनल इशू को, इंटरनेशनल इशू को आप उसके अंदर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। और आप जो है कोई भी इशू को, आपके छोटे से इशू को, लोकल इशू को नेशनल या इंटरनेशनल इशू कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप ट्विटर को अच्छे से आप यूज़ करना जानते हैं। तो ये इन शॉर्ट था, मैंने इसके ऊपर सुबह 1-1.5 घंटा बात की थी, लेकिन आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल दिस थिंग्स इज डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। यू हैव वन गोल, स्टे फोकस्ड ऑन दैट गोल, कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट गेट टायर्ड। जब टेलीग्राम के बारे में आपका क्या नजरिया है, ठीक है, फेसबुक के बारे में आपने बता रहे हैं और हमें यूट्यूब से थोड़ा बाइट जाएगा, हाँ, तो आप टेलीग्राम के बारे में जो देखें, हाँ जी, टेलीग्राम देखें, अभी फ़िलहाल आप लोग तो बहुत कम लोग टेलीग्राम यूज़ करते होंगे, आप लोग तो कोई भी यूज़ नहीं करते, बट क्या यूज़ करते हैं? हाँ, तो ईरान में यूज़ होता है, फ़िलहाल हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी जी, तो मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर जो है मसला जो है, टेलीग्राम ईरान में ब्लॉक हो गया ऑफिशियली, ये है कि टेलीग्राम, ये सब तमाम एप्लीकेशंस आपको फ्री में इसलिए देते हैं बिकॉज दे वॉन्ट योर इन्फॉर्मेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन लेके सेल करते हैं। तो टेलीग्राम के साथ भी यही मसला है कि वो इन्फॉर्मेशन लेके सेल करता है। तो टेलीग्राम है, कोई भी देखें, हमारे जवान जिससे आज प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, हम लोग को पहले उनको उससे बचाना है, ठीक है। टेलीग्राम जो है एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, आपको एक पेज बनाने देता है, आप अच्छे पेजेस को फॉलो करेंगे तो आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, बुरे चीज़ें खुद रेकमेंड नहीं करता है। जो मैंने आज सुबह भी कहा था, दो टाइप ऑफ सोशल मीडिया पे दो टाइप ऑफ कंटेंट होता है। द गोल्डन रूल इन सोशल मीडिया इज दिस वर्ड, कंट्रोल। हु हैज़ कंट्रोल, यू और द मीडिया? आप जो देख रहे हैं, यू वॉन्ट टू वॉच इट और दे आर शोइंग इट टू यू? अगर कंट्रोल आपका है, दैट मीन्स इट्स ओके, यू आर कंट्रोलिंग वॉट यू आर वॉचिंग। बट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फीड्स आती हैं, यू डोंट कंट्रोल, दे कंट्रोल, वो फीड करते हैं, ठीक है। तो अगर वो फीड कर रहे हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम। यूट्यूब में कंपैरेटिवली जो है 35% ऑडियंस सर्च बेस्ड आती है और यूट्यूब का एल्गोरिदम ज्यादातर नॉलेज बेस्ड है, अगर चाहे तो, कोई गुनाह करना चाहे तो वहां पर भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि कंपैरेटिवली यूट्यूब इज कंपैरेटिवली सेफर। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि फेसबुक पे गंदी, यूट्यूब पे गंदी फिल्म्स नहीं है या यूट्यूब पे ये सब चीज़ें नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। यूट्यूब भी प्रॉब्लमेटिक है लेकिन कंपैरेटिवली उसका असर जो है, बुराई का जो है, वो इससे ज़्यादा, इससे फेसबुक से कम है। वहाँ पर कंपैरेटिवली अगर आप चाहो तो अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले।
कोई सवाल अगर है तो मैं उधर जाके बैठता हूँ, तो अगर मौलाना भी जो है जवाब देना चाहें तो उन लोग जवाब दे सकते हैं। आपने एक चीज कहा कि मोतू वाला एक जगह का नाम जो है करगिल से तस्लीम कर लिया, जैसे करगिल छोटे महदूद हैं उसी तरह वो भी है, मगर वो इस वक्त जो बहुत फालियत और काम में, ये कहाँ वाक़ है? ये जौनपुर के पास एक जगह है, क्या नाम बोला था मैंने, मधुमती, मेरा फोन वहाँ पर है शायद, फोन मधुमती मेरे ख्याल से उस गांव का नाम है। शुक्रिया, मैं भी चेक करके आपको। मधुपति, मधुपति नहीं, मधुपति नाम है, इज अ रूरल विलेज बेस्ड इन सिरकोनी ब्लॉक ऑफ जौनपुर। तो ये जौनपुर के पास एक गांव है, मधुपति नाम है, मधुमती नहीं है। गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरी डिटेल। यानी कि समझ में नहीं आया सवाल। आपका क्या ख्याल है? तो आपके सवाल ही वाज़े, जवाब उसके अंदर वाज़े छुपा हुआ है। आपका क्या ख्याल है? वो इल्म जो जहालत फैलाता है वो अच्छा है या बुरा है? उसको फैलाना चाहिए नहीं फैलाना चाहिए? खुद आपके सवाल में ही जवाब है। नहीं, अच्छा सवाल है कि, लेकिन ये कि आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो पूछे, नहीं पूछना चाहते तो कोई बात नहीं। कोई अगर आप लोग के पॉइंट जो मैंने बयान किया है डिस्कशन, या जो भी चीज़ आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आते हैं, या कोई चीज़ आप अपोज करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बात को आप बोलेंगे मसलन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो हमेशा सही होगी बात, नहीं, आप कोई चीज़ को अपनी नज़र रख सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, कहते मैं अग्री नहीं करता हूँ इस पॉइंट को। और मुझे एक इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है, किस चीज का इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर क्यों बनना है आपको? एक इंटरेस्ट है सर इसमें। क्यों, क्या हुआ इसमें, क्या इंटरेस्ट है आपको? आजकल देख रहे हैं ना कि मतलब दुनिया में कैसे, मतलब जैसे कि सर ने बताया कि फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मतलब हमें गलत रास्ते पर चलना, तो अगर हम में से कोई, हम मुसलमानों में से कोई अगर एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्यों कि हम भी क्या पता एक ऐसे ही मशहूर, एक पॉपुलर ऐसा एक सॉफ्टवेयर बने जिसकी वजह से लोग क्या हो जाए, गुमराही की जगह पे क्या हो जाएंगे, अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे, उसी तरह से इंशाल्लाह जंग करना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्योंकि सर ने आज सुबह बताया, कल भी बताया था कि हम जो है इस सोशल मीडिया पर हमारा जंग है, हमारा खेल नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि खेल का मैदान है, खेल का मैदान नहीं है, ये जंग का मैदान है, इसमें हमें लड़ना है इंशाल्लाह। और इनका जो है अगर इस सोच से इन्होंने ये सब्जेक्ट, ये टारगेट रखा है तो इंशाल्लाह, लेकिन एक इंजीनियर तक नहीं, एक इंजीनियर का बाप बनना चाहिए इंशाल्लाह। आपका बेटा वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद हनीफा है और मैं शंकु से हूँ, और मेरा करगिल से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर मेरे लाइफ में जो डॉक्टर है, सर डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों वजह बताइए? आजकल जो है कोविड जैसे अलग अलग टाइप्स के जो बीमारियां हमारे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, इसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल जो है बहुत ही बैकवर्ड एरिया है सर, उसमें से इंशाल्लाह अगर हो जाए तो हम भी एक डॉक्टर बन के अपने कौम की खिदमत कर सकते हैं इंशाल्लाह। थिंकिंग को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर इंशाल्लाह, ये चीज़ इंशाल्लाह।
मेरा नाम नज़ीर अहमद है और मैं पारकाचिक और मेरा एम है डॉक्टर। एम ए डॉक्टर यानी कि एम ए डॉक्टर क्या होता है? एम है डॉक्टर बनना। अच्छा एम है डॉक्टर बनना, सॉरी मुझे नहीं समझ में, माजरत मैं नहीं समझ, मुझे लगा एम ए और फिर डॉक्टरेट करना है, मुझे समझ में। हाँ इसके दौर में ज़्यादा इलाज के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, वो गरीबों के पास नहीं होता है, हम उनको फ्री में उनका इलाज कराते हैं। अच्छा फ्री में इलाज करेंगे तो कमाएंगे क्या? गरीबों का, गरीबों का फ्री में बाकी लोग से पैसा लेंगे, गरीबों का सहारा बन जाए। My name is Kacho Mustafa. I am from Tamis Kargil and our village is 25 kilometers far from Kargil district and my aim in life is to become a fighter pilot. Fighter pilot, mashallah. Border hai na? Haan. Pakistan ko marna chahte hai. Iska aim hai. आप लोग मेरी बात सुनने के बाद किसी को आईएएस ऑफिसर नहीं बनना है? आईएएस ऑफिसर क्या होता है? क्या होता है वो आईएएस ऑफिसर, क्या करता है? एक एक करके बोलें, कोई एक जन, एक जन खड़े होके बोले आईएएस ऑफिसर क्या करता है? आईएएस ऑफिसर क्या करता है? क्या करता है? रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, और सिर्फ कलेक्ट ही करता है। तो अगर आप करगिल के आईएएस ऑफिसर बनते हो, करगिल में आईएएस ऑफिसर बन के आते हो, तो यहाँ का जो रेवेन्यू होगा, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू होता है, उसका सही इस्तेमाल करना, गरीबों तक हक पहुँचाना, उसके अंदर करप्शन को रोकना, ये एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गरीबों का सहारा बनना, ये सब आप आईएएस बन के कर सकते हो, करप्शन का मुकाबला कर सकते हो, समझे? आप आईपीएस बनोगे, पुलिस में जाओगे, टॉप पोजीशन पे पहुंचोगे, डिप्टी कमिश्नर बनोगे, कमिश्नर बनोगे, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि हम लोग जो हमारे जवान जो अच्छे हैं, जो अदल इंसाफ चाहते हैं, उन लोग का ये फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप लोग बने, डॉक्टर बने, लेकिन आप लोग उससे थोड़ा और बड़ा सोचें, जो मैं चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा और बड़ा सोचें, यानी आप एक लाइफ, दो लाइफ नहीं, आप हजारों लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सको, ऐसा सोचें। एक आईएएस ऑफिसर के अंदर डॉक्टर्स कितने काम करते होंगे? कितने इंजीनियर्स काम करते होंगे? तो मकसद डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बड़ा है या एक आईएएस ऑफिसर? पहले तो हम केस ऑफिसर बनते थे। आप लोग अभी फिलहाल फैसला नहीं करें, लेकिन ये है कि आप लोग इसके ऊपर गौर फिक्र करें और एक्सपर्ट्स लोग से नज़र लें, पूछें। प्रॉब्लम छोटा मत सोचें, छोटा नहीं सोचें, बड़ा बड़ा सोचें अपनी ज़िंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग छोटे से गाँव से आते हैं, छोटे से विलेज से आते हैं, और हम लोग के अतराफ में लोग बहुत बड़े लोग नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा कामयाब लोग नहीं होते, तो उसकी वजह से हम लोग छोटा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग के पास अहले बैत हैं, अहले बैत तो बहुत बड़े हैं ना, हमें भी बहुत बड़ा बनना चाहिए, छोटा नहीं बनना चाहिए। देखें व्हाट्सएप पे जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं, हत्ता आप कोई भी मीडिया पे किसी के लिए भी कुछ भी लिख रहे हैं, वो सब लोग देख सकते हैं। तो कभी भी आप ये नहीं सोचो कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो और कोई नहीं देख रहा है। गवर्नमेंट से लेके, कंपनी से लेके, हर चीज़, एवरीबडी इज़ वॉचिंग। यू आर नॉट सेफ एनीवेयर, यानी मीडिया में, समझ रहे हैं? ये आपके लिए क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप भी यूज़ करो, तो ऐसे यूज़ नहीं करो कि व्हाट्सएप आपका बहुत अच्छा दोस्त है, समझ रहे हैं? उसने कसम खाया खुदा की कि मैं तुम्हारा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एप्लीकेशन आपकी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। मसलन आप स्टूडेंट हैं, आप स्टेटस देख रहे हैं आधा घंटा, एक के बाद एक स्टेटस आ रहा है, रैंडम स्टेटस लोगों के देख रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना,
आपकी जिंदगी के अंदर 14 to 25 क्या है, मेक और ब्रेक का टाइम है, यहां पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। गूगल जो है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है ना, और गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, गूगल का ही यूट्यूब है, ठीक है। गूगल ने हैंगआउट्स बनाने की कोशिश किया था फेसबुक और इंस्टाग्राम को कम्पीट करने के लिए, जो नहीं कर पाया। तो गूगल और फेसबुक की हमेशा क्रॉस रहती है। गूगल फेसबुक के कंपैरिजन में कम ज़ायनिस्ट है, ज़ायनिस्ट यानी इसराइली जो है। फेसबुक ओपनली कहता है कि मैं ज़ायनिस्ट हूँ, ठीक है ना, वो ओपनली इसराइल को सपोर्ट करता है। फेसबुक ओपनली कैपिटलिस्ट है, लेकिन गूगल कंपेरेटिवली कम है दोनों चीज़ों के अंदर। गूगल हमारी नीड है, हमको कोई भी चीज़ सर्च करना हो तो गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, नीड है हम लोग। गूगल का रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है कुछ। चाइना में है, चाइनीज़ ने अपने लिए गूगल भी खुद का बनाया है, फेसबुक भी खुद का बनाया है, इंस्टाग्राम भी खुद का। उन लोग को पता है कि इसके ज़रिए से कल्चरल इन्वेजन होता है, तो उन लोगों ने हर चीज़ अपनी खुद की बना दी है चाइना ने, हम लोग ने कुछ नहीं बनाया। बैठ के पूछो, मुश्किल नहीं। फेसबुक का यूज़ करके सर, हम जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम कारगिल में हैं, जैसे कि हम फेसबुक पर यूज़ करके एक जम्मू के यानी हम एक फ्रेंड से हम मीट करें तो हमें पता चल जाता है कि उनकी आइडियोलॉजी कैसे है, उनके कल्चर कैसे हैं, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं सर। मीन्स हम कारगिल में बैठ के उनके कल्चरली जो अच्छी अच्छी चीज़ हो तो हम उनको उनके आइडियोलॉजी को लेकर वो हम कारगिल में भी यूज़ कर सकते हैं सर। आपने जो कहा कि फेसबुक एक बहुत ही हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके हिसाब से तो हमें यूज़ करने से फ़ायदा है। जैसे कि हमें फेसबुक में आप ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, अच्छे फ्रेंड्स ढूंढते हैं, उनके कल्चर ढूंढते हैं या वीडियोस देखते हैं? मीन सर हमें कुछ काम हो तो जैसे कि पता चल जाएगी कि वर्ल्ड में कैसा आइडियोलॉजी कैसे कैसे कल्चर है तो थोड़ा इंफॉर्मेशन इससे मिल सकता है। तो वो यूट्यूब पर भी मिल सकता है, फेसबुक पर होना ज़रूरी है? गूगल पे सर्च करें आपको मसलन ये शहर का कल्चर क्या, मिसाल करगिल आने से पहले अगर मैं सर्च करूँगा करगिल का कल्चर क्या, गूगल पे मुझे सब मिल जाएगा, फेसबुक पे जाने की क्या ज़रूरत है। मैं बोल रहा हूँ फेसबुक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी दिखाता है। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी पता है क्या क्या होता है? पोर्नोग्राफी यानी गंदी मूवीज़। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी यानी गंदी मूवीज़ लेकिन कपड़े पहने हुए। फेसबुक पे सब दिखाते हैं, सिर्फ कपड़ा पहने होते हैं। ऑफिशियली खुद फेसबुक की कंपनी के एम्प्लॉई कहती है कि फेसबुक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी को प्रमोट करता है, एवरी फ्यू सेकेंड्स जवानों के सामने ऐसी मूवीज दिखाता है। तो एक जगह है जहां पर आपको मालूम है कि आपको गुनाह की तरफ तरवीज करी जा रही है, गुनाह के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। तो फतवा आयतुल्ला सिस्तानी आयतुल्ला खामेनाई का दोनों का है कि ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। यूज़ करना है तो यूज़ करें, ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। और हमारे वो वार्डन साहब हैं जी, बच्चों के साथ यहाँ दिन रात रहते हैं, मौलाना साहब भी यहाँ पर दिन रात ही रहता है। और यहाँ टीचर का क्या है, बच्चों को विंटर में थोड़ा एक्सप्लेन करें। हमारे हबीब अजीज़ मेहमान मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, सदर अंजुमन जमत उलमा इस्नाशरिया करीम शेख नाज़ुल मेहदी साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमत उलमा, और हमारे अलीमुल हुदा साहब और मेम्बर साहिबान। सर जैसे हमारे अनवर सर ने आपको पहले ही बताया कि 2013 में अंजुमन जमत उलमा की क़यादत से एक प्रोजेक्ट एजुकेशन को लेकर चलाया गया है, और 10 क्लास पास करने के बाद यहाँ थोड़ा कैरियर काउंसलिंग भी होती है, और उसके बाद डिफरेंट शोबा से लोग आते हैं और इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे आगे जाने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा यही है सर कि यहाँ कुछ आपको फोटोज़ भी देखने को मिलेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत सारे IITs और MBBS कॉलेज में हमारे यहाँ जमत उलमा इस्नाशरिया के या वजह पूजे के बच्चे हैं, और भी दूसरे फील्डों में है सर एकेडमिक को। ये हमारा सेकंड बैच है, और इनका 2 साल कोविड की वजह से हमें काफ़ी मुश्किल हुआ, फिर भी ऑनलाइन क्लासेस हमें डिफरेंट तरीके से हमने कराने की कोशिश की,
और अभी जब से थोड़ा सिचुएशन ठीक हो गया है और इस साल सर्दियों में जमत उलमा इस्लाह शरिया के मशवरे से इन बच्चों को 3 महीने से कंटिन्यूसली हर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल और उर्दू के लिए स्पेशलिस्ट जो लेक्चरर्स होते हैं वो यहाँ आते हैं सर, और बराबर उनको अपना टाइम देते हैं और पढ़ाते जाते हैं। उसके बगैर भी बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं, हमारे एक लेक्चरर है सर ने भी देखा था, खादिम साहब जो गोल्ड मेडलिस्ट है केमिस्ट्री में, वो भी अपनी खिदमत यहाँ अंजाम देते हैं। और भी बहुत सारे लेक्चरर्स वगैरह, प्रोफेसर्स वगैरह कबीर कुमार आके पढ़ाते हैं सर, तो कंटिन्यूसली डोनेशन उनको पे बेस पर भी हमने 5 टीचर्स को कंटिन्यूसली रखा हुआ है, वो हमेशा इन बच्चों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं सर। और उसके बगैर पहले बेश को तो इस तरह रहता था सर कि जिस तरह हमारे यहाँ के करगिल के भी जितने भी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने IAS किया है, जैसे कि हमारे एक IAS ऑफिसर है सर जो इस वक्त रिटायर हो गया है, कमिश्नर सेक्रेटरी काचो इस्पिंदर खान साहब, वो भी यहाँ आता था और इन बच्चों को किस तरह से IAS के लिए मोटिवेशन कर दे, क्योंकि इस साल तो कोविड की वजह से अभी तक नहीं ला पाए हैं क्योंकि एज का तकाजा होता है बुजुर्गों को, तो इंशाल्लाह आइंदा हमारा पाइपलाइन में है सर, तो IAS इंजीनियरिंग और जितने भी हमारे करगिल से और बाहर से भी जितने भी शोभा के आते हैं उनको खेल कौशल के लिए हलाया जाता है सर। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आप लोगों को, वाकई बहुत बड़ा काम है। और तो खुदा सर उसके बाद जमत उलमा इस्लाह शरिया का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें मौका दिया है तो चलाने की कोशिश करते हैं सर। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस वक्त आज उसको अचानक सर, क्योंकि वो खुद प्रोफेसर है लद्दाख यूनिवर्सिटी का, तो आज उनको कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट कराना था, उसके लिए वो आज नहीं पूछ सकते, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे यहाँ एक प्रोफेसर है। और मैक्सिमम यहाँ हमारे प्रोफेसर से सर, हम कुछ टीचर्स से, जैसे मैं टीचर्स हूँ सर, ये हमारे अनवर सर टीचर से, हमारे ये अनवर सर भी टीचर से, बाकी 4-5 प्रोफेसर हैं, आज उनको एग्ज़ाम की वजह से आना नहीं हुआ। और अकाउंट के लिए अलग हमारी सेक्शन है सर, जिसकी क़यादत हमारे AD है, अकाउंट सेक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर वो करते हैं, जिससे हमारा परवेश खान साहब ये बैंक मैनेजर है, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह लॉजिंग के लिए और उनको सामान लाने के लिए अलग हमारी एक स्टोर नामी एक टीम है, वो करती है। और बाकी 24 घंटे हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन के लिए हमारे वार्डन साहब हैं, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट है, हमेशा इनकी रहनुमाई के लिए यहाँ रहते हैं। और हमारे दीनी मसाइल के लिए हमारे जनाब उलमुल खुदा साहब यहाँ कंटिन्यूसली यहाँ इनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं सर। अपने मकासिब तक पहुँचाने में काबिल के लिए भी रोल अदा कर रहे हैं। मौला आप सबको कामयाब करे, बहुत उम्मीदें हैं सबकी आप लोगों से मेहनत करके, इंशाल्लाह सिर्फ उम्मीद वक्त के इमाम की आपसे ये है कि आप कामयाब हो जाएं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह सर, हमारे करगिल के सबसे बैकवर्ड एरिया, करगिल ही ऑलरेडी एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इसके बहुत बैकवर्ड एरिया से अंडर प्रिविलेज जो सलाहियत तो रखते हैं लेकिन उनको करगिल तक आने की जरूरत नहीं है, उनको जमीयत उलमा ने यहाँ ला के पढ़ाने की कोशिश की, वो बच्चे आज IIT और जो सिलेक्शन प्रोसेस है सर वो भी बिल्कुल फेयर सिलेक्शन प्रोसेस था सर। पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हर सेंटर में, हर ब्लॉक में हमने रखा था, एक हायर सेकेंडरी जो होता है वहाँ पे, उसके बाद फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज हो, दोनों में। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद कोई ऐसा वही होता है कि जो इकोनॉमिकली साउंड हो बच्चा, तो फिर उसके लिए फिर बैकग्राउंड चेक, सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने टीम बना के सारे ब्लॉक में गए, घर में जा के पेरेंट्स से मिल के फिर उनसे सारा जो है तस्दीक करने के बाद ही बच्चों को यहाँ पे लाया जाए, ताकि किसी की हाफ तरफी ना हो, इसलिए ये सारा प्रोसेस अच्छा जो है वो सारा मौला कामयाब करे आप लोगों को। यहाँ हमने ये जो बिल्डिंग बनाया है ये अलमान चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें 68 लाख में दिया था, तो उसी के उन्हीं किताबों से ही बना है। पहले हम उधर मदरसे की साइड में एक कमरे में
इनको रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल शुरू हुआ है 2021 में इसका इफ्तिताहिया, वो भी अभी इसका अभी वो नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पहुंच गए जहां पहुंच गए। इसमें हमने 100 बच्चों का कैपेसिटी रखा है, अभी हमें सिर्फ 20 है। इसमें इंशाल्लाह हम आइंदा जितना हमारे इम्कान फराहम होंगे इसमें हम बढ़ाना है इंशाल्लाह। इम्कान हमारे पास इतना ही, क्योंकि बच्चे जब जितना अभी ऊपर आते हैं उनका खर्चा ज़्यादा होता है। खर्चे की बात करें तो सर 12 पास करने के बाद हम यहाँ नहीं रखते हैं बच्चों को, जैसे मोहतरम शेख साहब और तमाम उलमाए किराम ने सपोर्ट करके, क्योंकि प्रोजेक्ट के डोनेशन से नहीं हुआ, फिर शेख साहब ने भी मदद करके जम्मू में जो आकाश है, आकाश बहुत एक अच्छा है, क्योंकि पहले हमारा कोटा का था, फिर वहाँ नहीं हो पाया, फिर हमने आकाश में तमाम बच्चे जो इस वक्त हमारे फर्स्ट बेच के जो बाहर हैं उनको बराबर MBBS और इंजीनियरिंग का शेख साहब ने कहा उनको आगे और पढ़ने का, और उनका भी अभी भी जितना भी उनकी खर्चा होती है सब इसी प्रोजेक्ट से जाता है, उनको यहीं से जाता है सर। वहाँ एंट्रेंस कराया, एंट्रेंस में कामयाब हो गए बहुत सारे बच्चे, और उसके बाद आप जहमत करके यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मेहमान अजीज मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी से कबला कहा मशहूर और ममनू है। आप जो है 2-3 दिन से करगिल में हमारे आल पब्लिक डिस्ट्रिक्ट करगिल और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो खोतीन के लिहाज से हर शोबे में आप जो इस वक्त आके बहुत से लोगों को इंटरनेशनल जो है एक नया माहौल जो है मिल गया है व्हाट्सएप के लिहाज से और यूट्यूब के लिहाज से, क्योंकि बहुत से लोग जो है आजकल जवान जो है खवातीन जो है माशरत समाज जो है वो एक अजीब गरीब माहौल की तरफ लेके जा रहे थे। तो हम दिल की गहरियों से आप जनाब से मशकूर ममनून हैं। और अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह ला युगयिरु मिम्मा बिकौम हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तआला किसी कौम का हाल यकीनन उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने हालात को न बदले। तो हम और आप सभी हजरात को चाहिए कि जब तक हम अपने इस नफ्स में चेंजी न लाएँ, तग़ीर न लाएँ, तब तक हम जो कौम में कोई तब्दीली कोई चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। तो हम और आपको अपने नफ्स को जितना अपने कंट्रोल में जितना अपने काबू में रखना चाहिए उसी हिसाब से, चाहे व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, चाहे यूट्यूब इस्तेमाल करें, चाहे फेसबुक इस्तेमाल करें, चाहे टेलीग्राम इस्तेमाल, जो भी चीज़ें आजकल दुनिया में तेज़ी से जो काम होते जा रहा है दुश्मन उसके बराले जो काम कर रहे हैं, तो हम और आपको इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करने की बहुत अशद ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मौलाना साहब से भी बहुत से लोगों ने बहुत से फ़ायदा उठाया है, तो हमको हम पूरे जवाद हमारी जवादिया के प्रोजेक्ट की तरफ से और हमारी पूरा स्टाफ की तरफ से और पूरा कमेटी की तरफ से आप सभी हजरात को मखसूसन आप जनाब अली को मशकूर और ममनून कहते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात।